और इस बीच एक बड़ी खबर अनंतनाग एनकाउंटर से जुड़ी हुई आ रही है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, 3 आतंकियों को मार गिराया है, 2 और आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका है। ड्रोन कैमरे में कैद हुई है आतंकियों की तस्वीर। आपको बता दें कि अनंतनाग में चौथा दिन है आज आतंकियों से एनकाउंटर, चौथे दिन भी जारी है। बाकायदा नजर रखी जा रही है आतंकियों पर, ड्रोन कैमरे से और रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया गया है अनंतनाग में। आपको बता दें कि किस तरह से अनंतनाग में हमने अपने जवानों को खोया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी को हमने खोया और मेजर कर्नल को हमने खोया, उसके बाद एक और जवान हमारे शहीद हो गए। तो अनंतनाग में ये एनकाउंटर पिछले 4 दिन से लगातार जारी है और बारामूला से भी खबर आई थी, बारामूला में भी कई आतंकियों को मार गिराया गया है और अब ये अनंतनाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए दिक्कत यहाँ पे क्यों आ रही थी, क्योंकि ये घना जंगल है और यहाँ पर आतंकी इस जंगल की आड़ में छिपे हुए थे, आतंकियों की मूवमेंट का पता नहीं चल रहा था, इसलिए ड्रोन कैमरे की मदद ली गई। अब देखिए ऐसी स्थिति में आतंकी छिपे हुए थे, उनको ढूंढकर चुनकर मारना एक बड़ी चुनौती थी सुरक्षा बलों के सामने, और नीचे से ऊपर की तरफ सुरक्षा बलों को जाना था। ये जम्मू कश्मीर पुलिस का सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसे अनंतनाग में अंजाम दिया जा रहा है और बड़ी जानकारी के मुताबिक 3 आतंकियों को मार गिराया है। 3 आतंकियों को मारने में सफलता हाथ लगी है। अभी भी बताया जा रहा है कि 2 आतंकी अंदर छिपे हुए हैं, चूंकि तादाद 5 से 6 बताई जा रही थी ये आतंकियों की, अभी भी 2 आतंकी अंदर छिपे हुए हैं। ड्रोन कैमरे से आतंकियों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और उसी के जरिए आतंकियों को चुन चुन कर उनका खात्मा किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। 2 और आतंकी छिपे हुए हैं और ये देखिए यही वो ड्रोन कैमरा है जिससे लगातार नजर रखी जा रही है। मीर फरीद जुड़ गए हैं। मीर फरीद, 3 आतंकियों को मार गिराया है, अभी 2 और आतंकी बाकी है? जी बिल्कुल, हालांकि इसकी कोई ऑफिशियली आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र है सेना में कह रहे हैं कि ड्रोन कैमरा से 3 डेड बॉडीज दिखी हैं और वो तीनों डेड बॉडीज जो है मिलिटेंट्स की बताई जाती हैं। 2 और जो है जंगल में भागते हुए दिखे हैं, तो ये सब जो है सूत्रों के हवाले से खबर है। ऑब्वियसली जब तक डेड बॉडीज नहीं मिलती हैं सेना को या सुरक्षा बलों को, तब तक वो जो है ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी सफलता हो सकती है क्योंकि 3 दिन से 4 दिन से लगातार सेना जो है सर्च कर रही थी और बीच बीच में जो है एनकाउंटर और गोली जो है एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन मिलिटेंट जो है जंगल में डेंस फॉरेस्ट का फायदा उठाते, घने जंगल का फायदा उठाते जो है अंदर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन फाइनली जो है उनको मार गिराया गया है और ड्रोन ने जो है ये कैप्चर किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मीर फरीद इस तमाम जानकारी के लिए। अभी 2 और आतंकी छिपे